हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टेक परफो चैनल पे। सो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं टीपी लिंक का 150 एमबीपीएस हाई गेन वायरलेस यूएसबी अडैप्टर। ये अडैप्टर कुछ आता है अमेज़ॉन पे 679 रुपीज़ का। सो ये मैक विंडोज़ वगैरह सबको सपोर्ट करता है। इसके जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा थे अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन चॉइस प्रोडक्ट है एंड अराउंड 85,000 रिव्यूज़ थे अमेज़ॉन के वेबसाइट पे। ये जो है अराउंड 679 रुपीज़ का आता है एंड जैसा मैंने बताया ये विंडोज़ मैक दोनों सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये एक 150 एमबीपीएस हाई गेन वायरलेस अडाप्टर है। इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं उसके वेबसाइट पे। आप जब आप अमेज़ॉन पे जाओगे तो उस पर नैनो वर्जन एंड उससे लाइक 150 के जगह 300 गेन एमबीपीएस के अडाप्टर भी आते हैं, बट वो ऑफकोर्स थोड़े इससे कॉस्टली आते हैं। सो हम इसे अनबॉक्स करेंगे एंड देखेंगे कि इसका लाइक इसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है एंड प्लस हम इसे टेस्ट भी करेंगे आगे। सो बॉक्स की तरफ देखें तो इसमें इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं WN722N एंड ये जो है ये रिवीजन 3 है एज़ पर द वेबसाइट, उस पर मेंशन किया हुआ है। सो हाई गेन एंटीना है एंड इस पर WPS बटन भी है, WPS सपोर्ट करता है। सो अगर आपको पता होगा WPS यूजुअली सिंप्लीफाई करता है कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, वाईफाई कनेक्शन। सो यूजुअली आपको जैसे कोई भी दो डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है वाईफाई का। जैसे आपका होम नेटवर्क पे आपका प्रिंटर रहता है, अगर उसको आपके वाईफाई राउटर पे कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट WPS बटन दबा के लाइक कनेक्ट कर सकते हो। सो इसमें ये WPS बटन सपोर्ट करता है। पैकेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। एक हाई गेन अडैप्टर जो मिलता है, एक क्विक स्टार्ट गाइड प्लस एक CD मिलता है इंस्टॉलेशन के लिए। स्पेसिफिकेशन काफ़ी सिंपल है, ये सब कुछ सपोर्ट करता है WEP, WPA, WPA2, WPA PSK। सो हाँ, एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं, ये WPS के बारे में ही है एंड ये आपका नॉर्मल अडाप्टर एंड वाईफाई अडाप्टर का जस्ट एक कंपैरिजन है। सो ये अनबॉक्सिंग अगेन काफ़ी सिंपल रहेगा, हम देखते हैं अंदर कैसा है। सो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, 1 day डिलीवरी हो जाता है एंड गुड पार्ट ये है कि इसमें 3 years की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, सो एज मैंने बोला कि अनबॉक्सिंग काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे अपना मेन अडैप्टर है, ये एक USB कनेक्शन के लिए लाइक वायर एक्सटेंशन है, एक क्विक स्टार्ट गाइड एंड एक इंस्टॉलेशन CD जिसमें आप इसके ड्राइवर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो ये रहा अपना मेन प्रोडक्ट। सो काफ़ी अच्छा है, लाइक एकदम छोटा नहीं है बट दिखने में बेटर है। प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। इसका एंटीना ऑफ कोर्स रोटेटेबल है। इसे ओपन करके देखते हैं यहाँ से। सो ये है इसका USB स्लॉट। काफ़ी शाइनी लुक है यहाँ पे। यहाँ पे वो WPS बटन है जो मेंशन किया था, आई एम नॉट श्योर, सो ये विजिबल है तो यहाँ पे वो WPS बटन है। ओके, तो प्रोडक्ट काफ़ी सिंपल है। इसे हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट मशीन्स में, विंडोज़, मैक एंड एक और एक चीज़ था जो मोस्टली अडाप्टर्स लोग सर्च करते हैं, वो है काली लिनक्स के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट एंड एवरीथिंग के लिए। सो ऐसा बोलते हैं कि लाइक मैंने जब रिसर्च किया इसमें बताया था कि Version 1 सपोर्ट नहीं करता था, Version 2 सपोर्ट करता है। Version 3 के मिक्स रिव्यूज़ थे, कुछ लोग बोलते सपोर्ट करता है, कुछ लोग बोलते कि नहीं करता है। सो हम लोग इसे भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि ये वर्चुअल मशीन एंड काली लिनक्स में वर्क करता है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हो गए टेस्टिंग्स के रिलेटेड। लेट्स चेक करते हैं कि अब ये TP-Link अडैप्टर हम लोग काली लिनक्स के साथ एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं कि नहीं विथ मोनिटर मोड। सो मैंने कुछ रिसर्च किया इस पर, एक्चुअली Version 3 डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है
बट कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स थे, जैसा एक एक यूट्यूब चैनल है टेकी सिंह, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसने एक ट्यूटोरियल बनाया है अबाउट हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर अडैप्टर फॉर मॉनिटर मोड, काफ़ी डिटेल है एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हिम। एंड मैं वो सेम ट्यूटोरियल यहाँ पे रन करूँगा एंड हम लोग फिर देखते हैं कि वो अडैप्टर एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी इस पे रन किया है, इसके लिए मुझे यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल दिखेगा, बट आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। आपको ये एग्जैक्टली सेम टू सेम कमांड्स रन करने हैं जो मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा। सो आपको ये सेम कमांड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगा, सो आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट हम लोग रन करेंगे सूडो एप्ट अपडेट। इसमें आपको बहुत सारे अपग्रेडेबल फाइल्स बताएंगे ये, बट आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको कुछ भी पता है, आपको एग्जैक्टली ये सेम कमांड्स रन करने। सो नेक्स्ट कमांड होगा सूडो एप्ट इंस्टॉल पीसी। सो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, सो मुझे लाइक न्यू अपग्रेड्स अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे बताएगा कि और कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सूडो आरएम मॉड यूज़ करेंगे, जो कि मॉड्यूल्स को रिमूव करने के लिए होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे इसमें मैंने ऑलरेडी ये सब सेटअप करके रखा है, इसके लिए मुझे ये एरर बता रहा है, बट आपके इसमें वो नहीं बताएगा। ये केस में अभी मैं गिट क्लोन करूँगा। अगेन ये कमांड मेरे इसमें रन नहीं होगा बिकॉज़ ये पर्टिकुलर फाइल मैंने ऑलरेडी लोड करके रखी है, बट आपको ये एग्जैक्टली सेम कमांड रन करना है यहाँ पे। जैसे मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे मेरे लिस्ट में आप देख सकते हैं। सो ये ऑलरेडी डायरेक्टरीज में अवेलेबल है। सेकेंड हम लोग को वो डायरेक्टरी में शिफ्ट करना है यूजिंग सीडी कमांड, देन सूडो आई करना है इसमें। आपको ये कमांड एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। इसका लिंक, इसका जो डिटेल्स है, मैं अगेन मैंने बताया कि मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगा। यू ओके। सो ये है अपना नेक्स्ट कमांड। ये करने के बाद हमें एग्जिट करना है, देन हमें मेक रन करना है। सो अगर आप सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि मेक यूजुअली कोड, उसमें कोड कंपाइलेशन एंड ये सब के कोड्स ऑलरेडी कमांड लाइंस नो सब आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। सो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पहले मेक रन किया है, सो मेरे इसमें ये ज़्यादा टाइम रन नहीं हुआ, बट अगर आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये बहुत थोड़ा टाइम लेगा एंड कुछ और कमांड्स आपको दिखेंगे रन होते हुए। नेक्स्ट आपको सूडो मेक इंस्टॉल करना है, जो कि ये कंपाइल्ड कोड आपके पर्टिकुलर टीपी लिंक के चिपसेट में इंस्टॉल करेगा। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद एक लास्ट कमांड बचता है, जो कि है सूडो मॉलप्रोप 8188 EU। ये लास्ट कमांड है। ये रन करने के बाद आपका टीपी लिंक अडाप्टर आपको निकालना है आपके पीसी से। ये पर्टिकुलर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैक मिनी यूज़ कर रहा हूँ, ये सेम आपके दूसरे पीसी में भी सेम कमांड्स रहेंगे। अडाप्टर निकाल के आप वापस कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वाईफाई अडाप्टर दिखाएगा, देन आप नेटवर्क सेलेक्ट करके लाइक किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक सिंपल कमांड रन करके देखते हैं, आई एफ कॉन्फिग। आप देख सकते हैं WLAN 0 मुझे बता रहा है, एंड सेकेंड आई डब्ल्यू कॉन्फिग भी रन करते हैं। ओके, करेंटली मोड इसका ऑटो है। अभी मुझे ये देखना है कि हम लोग इसे अगेन मॉनिटर मोड में रख सकते हैं कि नहीं, सो वो ट्राई करते हैं। अगेन ये सिर्फ सबसे पहले हम लोग ये पर्टिकुलर इसको डिसेबल करेंगे WLAN को,
देन मोड चेंज करेंगे। अगर आपको काली लिनक्स का थोड़ा बेसिक आइडिया है तो ये सब कमांड्स आपको पता होंगे। सो देन ये पर्टिकुलर डब्ल्यू लैन को हम लोग वापस अप करेंगे, देन आई डब्ल्यू कॉन्फिग रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं करेंटली अभी ये मॉनिटर मोड में दिखा रहे हैं मुझे डब्ल्यू लैन, एंड सिंस ये अभी मॉनिटर मोड में है तो आप एक सिंपल एरोडम्प एनजी कर सकते हैं, एंड एक सिंपल आफ्टर एरोडम्प एनजी आप इस पर डी ऑथेंटिकेशन अटैक कर सकते हैं कोई भी एक नेटवर्क के लिए। सो अगेन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये आप अपने खुद के नेटवर्क पर ही ट्राई कीजिए, किसी और नेटवर्क पर नहीं ट्राई कीजिए। सो ओके, आफ्टर सर्चिंग ये सब यहाँ पे डेमो दिखाएगा। सो ये था हम लोग का वीडियो अबाउट टीपी लिंक, आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। एंड अगेन इस पर एक और एक इशू आता था कि लोगों जब ये रीस्टार्ट करते काली लिनक्स तो ये डिसकनेक्टेड बताता है। सो आपको क्या करना है, पहले आपको टीपी लिंक अडैप्टर डिसकनेक्ट करना है काली लिनक्स चालू करने के पहले, एंड जब आप काली लिनक्स चालू करेंगे उसके बाद आपको अडैप्टर डालना है, देन आप देखोगे तो वो पर्टिकुलर अडैप्टर ऑलवेज वहाँ पर दिखाएगा। सो ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का भी अपडेटेड वर्जन टेकी सिंह ने डाला है, बट मैं आपको वीडियो लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो करेंटली ये दो नेटवर्क मुझे दिखा रहे, किसी भी नेटवर्क पे हम लोग लाइक एरी प्ले करके हम लोग दी ऑथेंटिकेशन अटैक कर सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा रहेगा वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू।